दोस्तों अभी हम लोग बिलासपुर से 11 किलोमीटर दूर लगरा गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे जो परिवार है आप देख सकते हैं, ये एक पूरा भरा पूरा परिवार है। यहाँ पे कम से कम 10-12 सदस्य रहते हैं, साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और इनकी सबसे बड़ी परेशानी की वजह यह है कि इन्होंने कल रात के भी अपने घर में 3 सांप देखा था। अभी मॉर्निंग में जब बिल्ली ने इनको इंटीमेट किया, इसलिए कहा जाता है कि पेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, बिल्ली ने भी इनको इंटीमेट करके दिखाया कि घर में एक जहरीला नाग अभी भी है। और चलिए मैं दिखाती हूँ कहाँ पर है और किस तरीके से पूरे परिवार वालों की जान बची। घर की दीवार है और दीवार से लग के जो नींव वाला हिस्सा है, इस नींव वाले हिस्से में नीचे एक कोबरा है, क्योंकि इनको कोबरा इसलिए पता है क्योंकि जब भी ये लोग इसमें किसी चीज से टच कर रहे हैं तो वो अपना हिसिंग साउंड ना बार बार बता रहा है। हमने इस तरफ किधर ही घूम गया है, वो इस तरफ कहीं घूम गया है। कैमरा कहीं लगा दूँ, मोबाइल पे लगा, निकालना ही पड़ेगा। हाँ, हाथ के पास आ रहा है। हमने इस तरफ किधर ही घूम गया है, वो इस तरफ कहीं घूम गया है। निकालना ही पड़ेगा। हाँ, हाथ के पास आ रहा है। देखिए देखिए देखिए, हाथ बचा के अपना बस। आपने देखा जिस तरीके से रेस्क्यू हुआ है, और मैं बस कुछ बोलना चाहिए, आज मेरा नसीब ही अच्छा है कि मैं आज जिंदा खड़ी हुई हूँ, नहीं तो अभी मैं हॉस्पिटल के लिए दौड़ रही होती क्योंकि बहुत बड़ा हादसा टल गया।
रेस्क्यू के दौरान हमेशा हर रेस्क्यूअर के जान में बांध रहती है। जो भी रेस्क्यूअर रेस्क्यू करता है अपने जान पर खेल के करता है, तो प्लीज आप लोग उनकी रिस्पेक्ट करिए। और देख सकते हैं परिवार के कुछ सदस्य वहां जाते हो तो डेफिनेटली किसी ना किसी के साथ हादसा होता है, क्योंकि ये सांप बहुत ज्यादा गुस्से में था, ये सीधा अटैकिंग मोमेंट पे था। तो बहुत अच्छी बात हुई कि समय रहते रेस्क्यू हो गया है। और अगर जब भी सांप काटे आप लोग प्लीज हॉस्पिटल जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में भी आपकी जान बचेगी, सांप काटने का इलाज महंगा नहीं है। और अब सांपों का निकलने का समय हो गया है, तो आप लोग सबको अगर घर पे पुराना सामान जमा के रखें या कुछ भी रखे हैं तो उसको ध्यान से हटाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक लिए आप लोग अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। अब बता कौन जाती तब आती जो है ओके अब शायद चल दे। दोस्तों YouTube पे हम लोगों का चैनल आप कमल चौधरी या स्नेक रेस्क्यू टीम करके सर्च करिए और काइंडली उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एडवेंचरस स्नेक रेस्क्यू देखने के लिए हम लोगों के वीडियो को लगातार देखिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। कोबरा जस्ट इसके पहले आरती ने जो रेस्क्यू किया था, और बताना चाहूँगा कि आरती को ये सांप काट ही लिया था, और सिर्फ आप लोगों की दुआ, आप लोगों की प्रार्थना और आशीर्वाद की वजह से आरती की जान बच गई। तो हम लोग हमेशा अपने जान पे खेल के लोगों की हेल्प करते हैं, तो इसे भी हम पर्यावरण के समक्ष कर रहे हैं। महाराज ये देखिए, ये एक पल के लिए आरती को काट ही लिया था, तो दोस्तों इसे भी मैं रिलीज कर रहा हूँ। ये देखिए जाते हुए देख सकते हैं,